अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। तो वेलकम बैक हो गया आप लोगों का अनदर व्लॉग में। तो जाय का व्लॉग करते हैं शुरू। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे ताकि आप लोगों तक आने वाली तमाम वीडियोस पहुंच सके। और अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा चैनल ग्रो करेगा, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो नहीं करेगा ग्रो। अब यूट्यूब वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि लिहाजा मेरी वीडियोज़ को थोड़ा सा ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, मेरी वीडियोस को वायरल किया जाए। ये ना हो कि मैं यहीं से यहीं पे रह जाऊं। तो इसीलिए उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी प्रमोट किया जाए। तो ये आज का जो काम है वो अभी हम काम करते हैं। पहले यहाँ से मोटर चला के पानी भरना है, तो पाइप पकड़ते हैं और पाइप जो है ना वहाँ पर रख देते हैं जहाँ पर पानी भरना है, और फिर यहाँ से मोटर चला देंगे। उस साइड वाली मोटर भी चल रही है, तो पहले ये काम कर लें फिर वो करेंगे। हाँ जी, तो जी माशाल्लाह सुबह सुबह का आप नज़ारा चेक कर सकते हैं, बड़ी बड़ी फसल खड़ी है साइड पे। ये सीधा रास्ता जा रहा है, ये हमारे गांव का है, बस छोटा सा रास्ता है। वैसे तो बड़ा रास्ता जो मेन है वो उस साइड से, ये बैक साइड है हमारे गांव की। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह फसलें खड़ी हैं, ये हरी भरी। वो सामने यहाँ से सूरज नहीं निकलना और ये बड़े खम्भे आगे, और ये सारी की सारी माशाल्लाह फसल खड़ी है। ये भी बाजरा की फसल है लेकिन अभी ये छोटी है। तो आगे माशाल्लाह आ गई जी कमाद की फसल, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। जंगल ही बना पड़ा है, लेवल किस्म की है जी। और आप परिंदे भी देख सकते हैं माशाल्लाह, परिंदे बहुत ज़्यादा होते हैं सुबह सुबह यहाँ पे। और ये आगे आ गया हमारा फार्म, फार्म का जो है जनरेटर चल रहा है, तो आगे भी वो फसल है माशाल्लाह। मौसम काफ़ी लेवल किस्म का है जी आज का। हाय हाय, गांव की यही तो खूबसूरती है। हाँ जी, तो जी आप लोगों को दिखाया है, तो आप लोग बताएं आप लोगों को व्यू कैसा लगा, ज़बरदस्त लगा या नहीं लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। मुझे तो लगता है आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप लोग ना कुछ कमेंट करते हो, लेना ना देना मर्जी आप लोगों की। हमारी वीडियो को शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को, आप लोगों की मेहरबानी होगी। तो जी अभी चलते हैं फार्म के अंदर, वहाँ पे जाके जो काम शाम होगा मकाने वाला वो मकाएंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। अभी सुबह सुबह के टाइम में फीड ही डालनी है, तो वो आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह हम डालते हैं, फिर चलते हैं फार्म के अंदर। हाँ जी, तो जी थोड़ी देर आराम कर लें, लाइट आती है तो फिर इंशाल्लाह ज़रा फीड शीट डालेंगे। अभी मेरा दिल करता है कि सो जाऊँ, तो घर भी जाना है, घर भी चलते हैं अभी थोड़ी देर को। तो इंशाल्लाह वहाँ पर वीडियो नहीं मैं बना सकता, ना ही मैं घर में बना सकता हूँ, ना ही मैं बाज़ार में बना सकता हूँ। इंशाल्लाह तब बनाया करूँगा घर में और बाज़ार में, जब आप लोग मेरे व्लॉग को वायरल करोगे, मेरा चैनल ग्रो करेगा, इंशाल्लाह ताला फिर बनाया करूँगा आपसे, मेरा वादा है। ये वाली कल वाली देख पड़ी है खाली, अभी लेकर नहीं गए रात को, मुझे लगता है कुत्तों ने तो फुल बटा फुल साफ़ कर दिया। हाँ, ये तेरे काम ने? नहीं नहीं, इसके काम तो हो नहीं सकते क्योंकि इसका कद्दा छोटा, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये पाइप पड़ा होगा क्योंकि ये ना जब मस्जिद में पानी चाहिए होता है तो ये मस्जिद में भी पानी पर ले जाते हैं, वजू के लिए इसमें पानी भरते हैं। तो मस्जिद अभी ज़ेर तमीर है इसलिए फुल काम नहीं हुआ मस्जिद का, तो जब इनको पानी चाहिए होता है तो फिर यहाँ से ले जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल इस पाइप को ना ये वाले को इसके अंदर फेंक देना है, जब जब भर जाएगी ना, क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं है, लाइट कभी चली जाए कब चली जाएगी। तो इस वजह से जैसे कि यहाँ से वायर भी जो है ना वो खराब हुई, फिर तो सीधी कर दिया। तो फिलहाल तो पैर सूखे हैं क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है, तो अभी चलते हैं अंदर और अंदर चल के वहाँ से मोटर चलाते हैं। उस साइड वाली मोटर भी चल रही है, वो सामने दवाई पड़ी है, दवाई भी डालनी है। तो अभी पहले खोल लेते हैं दरवाज़ा। हाँ भाई, ना ना आए नहीं तुम्हें कुछ है देने खाने को, चल चल पाचा। ओ शिट यार, मुझे लगता है अंदर से भी दरवाज़ा बंद है। अब क्या करें, अब वो दरवाज़ा वो भी बंद आई थिंक। अभी वापस चलते हैं, दवाई शवाई डालते हैं फिर हम छत के ऊपर चले जाएंगे। तो जी दवाई पकड़ ली है, सीढ़ी भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इस पर चढ़ना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है जी। तो अभी चलते हैं छत पर, मोबाइल तो मेरा छत पर पहुंच गया है लेकिन मैं अभी पीछे हूँ। तो अभी हम भी अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं, अभी पानी थोड़ा सा कम है, जब तकरीबन पूरी टंकी हो जाएगी फिर इसके अंदर दवाई डालनी है। तो छाँव भी नहीं है जहाँ पे हम जाके खड़े हो जाएं, छाँव भी नहीं है जहाँ पे हम खड़े हो जाएं, धूप में खड़े होना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पे रह के सब्र कर लेते थोड़ा सा,
फिर देखें क्या करें, धूप में ही खड़ा होना पड़ना आई थिंक। ओए भाई बहुत ज़्यादा धूप है। आप लोगों को सुबह का वेदर मैं इसी वीडियो में चेक करवाऊँगा, चेक करना लेवल क्या है, लेकिन अभी तो फिलहाल जो है ना वो धूप जान निकाल ली है। ओए होए कि इनकी जो है ना ये ज़मीन किसी और माला की है और ये मोहल्ले वालों ने पानी छोड़ा हुआ इसमें, तो ये इनके साथ सरासर ज्यादती है, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको क्योंकि इनकी फसल भी ख़राब हो रही है। हमें क्या लगे जब मालकों ने टेंशन, मालक जो इस ज़मीन के मालक हैं उनको ने टेंशन, तो हमें फिर क्या टेंशन है, हमें तो अपने काम से काम है ना जी। तो अभी दवाई शवाई डालते हैं फिर देखेंगे क्या करना है। पहले इसको पानी के अंदर रख के मिक्स कर लेते हैं, अभी खुद व खुद ही इसके अंदर हल हो जाएगी जी। फाइनली दवाई शवाई हमने डाल दिया है, अभी रोशनदान बंद कर लेते हैं क्योंकि फिर दोबारा यहाँ पे नहाना पड़ेगा क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है, इस वजह से मोटर वो पानी वाली चलानी पड़ेगी। तो अभी हम रोशनदान जो है वो बंद कर लें, ये खुला हुआ पहला इसको बंद कर लें जी। तो जी हमने फाइनली जो है ना रोशनदान बंद कर दिए हैं, अभी हम चलते हैं नीचे पानी की टंकी यहाँ तक आ गए, जब यहाँ पर आ जाएगी ना फिर इंशाल्लाह मोटर बंद कर देंगे। इस साइड के भी दो तीन रोशनदान रहते हैं वो भी बंद करते हैं। मर गए भाई, आज तो गर्मी बहुत ज़्यादा है जी, क्या ही बताएं आपको। तो आज काम भी करना पड़ना है, काम भी अभी सारा रहता है, तो एक ये रोशनदान है इसको बंद कर दे। बंद हो गया जी। सामने बेलचा पड़ा हुआ है, ये भी हमें चाहिए, इसको भी लेकर चलते हैं उस साइड पे क्योंकि कल रियाज भाई जाने हैं। चावलों का भूसा है ना इसको अंदर फेंकते रहे हैं, इस वजह से ये बेलचा यहाँ पे ले आए थे, लेकिन हमें ज़रूरत है इसकी, हम इसको अंदर ले चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि इससे मैं क्या काम करता हूँ। काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इतनी आप लोगों की एज नहीं है जितने बड़े मेरे काम है जी अंदर, और आप लोगों को अपना चूज़ा चेक करवाते हैं जी। तो आप लोग बस दुआ कर दिया करें कि अल्लाह पाक खैर करे, क्योंकि जो रेट है ना फार्मर को जिस रेट पर ये माल तैयार होता है फार्मर को वो रेट नहीं मिल रहा, वो रेट जो है ना वो सारे का सारा माफिया खा रहा है। कल फीड का जो रेट है वो 275 रुपये पौने 300 रुपये रेट इन्होंने बढ़ा दिया है, तो ये भी जोर इसके ऊपर ही आना है। तो इस हिसाब से कोई रेट नहीं है, लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि मेहरबानी करके इसके ऊपर नज़रसानी की जाए ताकि फार्मरों को इनका हक मिल सके। पिछले 3 महीने से फार्मर नुकसान में जा रहे हैं, लोग करोड़ों रुपए का अपना नुकसान कर रहे हैं। तो आई थिंक हमें भी यहाँ से 50-60 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है, पिछले 2 फ्लाक और ये 1 फ्लाक डाल के हमें पौने तकरीबन 50-60 लाख रुपये का हमें लॉस जो है ना हो चुका है। अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी नज़रसानी करे कि हमें फार्मर का हक मिले तो इंशाल्लाह ताला फिर सारे काम ठीक हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे कमा रहे हैं फीड माफिया, चूज़ा माफिया और गाड़ियों वाले, फार्मर तो अभी भी लॉस में ही चल रहा है। तो अगर यही हिसाब रहा तो फिर इंशाल्लाह ताला लोग ना ये काम छोड़ देंगे, कोई और काम करेंगे, तो फिर काम ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगा गोश्त वाला, फिर लोगों की पहुँच से दूर हो जाना है। अभी तो ये मुर्गी की वजह से लोग गोश्त खा रहे हैं, अगर बकरा और कट्टे भी बात आ गई तो फिर गरीब की बस की बात नहीं रहनी। बकरे का रेट जो है ना गोश्त का 1400-1500 रुपये है और कट्टे का भी तकरीबन यही रेट है कट्टे का भी। तो अभी चलते हैं अंदर और अपना काम शाम करते हैं और आप लोगों को अपना चूज़ा चेक करवाते हैं। पहले तो इस मोटर को करते हैं बंद, 2 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं, जब वहाँ से वो टंकी भर जाएगी ना तो एक बर्तन सा है वो ऊपर आ जाएगा, फिर हम इंशाल्लाह ताला इसको बंद कर देंगे। तो जी मोटर फाइनली हमने बंद कर दी है, टाइम लाइट जाने में रह गया आधा घंटा और अपना हम इतने में जल्दी जल्दी अपना काम कर लेते हैं जी। फार्म का दरवाज़ा लेते हैं जी खोल और अभी हम इंटर हो जाएंगे अंदर। तो ले जी फाइनली हम फार्म के अंदर एंटर हो चुके हैं, तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप चूज़ा हमारा चेक कर सकते हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है बहुत ज़बरदस्त है। तो अभी आप लोगों को चेक करवाते हैं कि इस बेलचे के साथ मैं क्या काम करता हूँ, तो मुझे कमीज उतारनी पड़ेगी, कमीज उतारते हैं फिर काम करते हैं जी अपना। हाँ जी तो जी आप लोग को बताना चले कि इस बेलचे के साथ ये काम करना होता है और ये काम सारे फार्म में करना है और मैंने अकेले ने करना है, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला ये काम करके, क्योंकि एक हाथ से तो होना नहीं है, जोर लगने लग गया है तो दोनों हाथों से करना पड़ेगा, करके फिर ही मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपसे। हाँ जी तो जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे काम शाम कर लिए हैं,
बेलचा बूलचा मार लिया है, तो कपड़े शपड़े जो है ना और बाल छाल कुत्तों वाले हो गए हैं, कटिंग भी करवानी है आज, बाल भी कटवाने कटिंग करवानी है, कपड़े शपड़े बदल के आना है, तो चलते हैं घर फ्रेश फ्रूश हो जाते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। तो जी आज कल लोग यहीं पर एंड करते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे ताकि आप लोगों तक आने वाली तमाम वीडियोज़ पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।